वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो में मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगा कि क्या आपको 11 जनरेशन के i3 वाले लैपटॉप्स लेना चाहिए या फिर 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड करके Ryzen 5 3500U वाले लैपटॉप्स लेना चाहिए। दोस्तों, हालांकि ये प्रोसेसर 2 साल पुराना है, लेकिन लैपटॉप मार्केट में इन दोनों प्रोसेसर के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ रही है। रीज़न है, इन दोनों का प्राइस डिफरेंस बहुत कम हो चुका है एंड मुझे लगा कि आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन की ज़रूरत है जिसे मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। एंड वीडियो के एंड में जो फाइनल कंक्लूजन होगा उसे बिल्कुल मिस मत करना। विद दैट सेड, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशंस की। दोस्तों, i3 11th जनरेशन में टोटल 8 CPU आते हैं, जिनमें से हम बात करने वाले हैं जो सबसे पॉपुलर है और इंडिया में वाइडली यही CPU अवेलेबल होता है, जो कि है i3 11th जनरेशन 1115G4। दोस्तों, ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2020 को और Ryzen 5 3500U ये CPU लॉन्च हुआ था 6 जनवरी 2019 को। 11th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर टाइगर लेक फैमिली से बिलोंग करते हैं और Ryzen के 3rd जनरेशन वाले प्रोसेसर Zen Plus फैमिली को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, 11th जनरेशन i3 प्रोसेसर में आपको 2 कोर एंड 4 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं और वहीं पर Ryzen 5 3500U इस प्रोसेसर में आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। तो इंटेल कोर i3 1115G4 एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है और Ryzen 5 3500U ये एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और दोनों ही CPU में आपको हाइपर थ्रेडिंग मिलती है, जिसकी मदद से दोनों CPU थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करते हैं आपको बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। दोस्तों, 11th जेन इंटेल कोर i3 की बेस फ्रिक्वेंसी वेरिएबल है, जो कि स्टार्ट होती है 1.7 GHz से और जा सकती है 3.0 GHz तक, और वहीं पर मैक्स फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसकी मैक्स फ्रिक्वेंसी 4.1 GHz तक जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और वहीं पर Ryzen 5 3500U की बेस फ्रिक्वेंसी 2.1 GHz की है और मैक्स फ्रिक्वेंसी 3.7 GHz की है। तो दोनों ही मामलों में इंटेल यहाँ पे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है फ्रिक्वेंसी के मामले में। बात करें अगर हम कैशे मेमोरी की, तो आपको इंटेल कोर i3 प्रोसेसर में 6 MB की कैशे मेमोरी देखने मिलेगी और Ryzen 5 3500U में आपको 8 MB की कैशे मेमोरी देखने मिलेगी। दोस्तों, कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर खुद यूज़ करता है कैलकुलेशंस के लिए। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतना एफिशिएंट आपका प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पर भी इंटेल कोर i3 की कैशे मेमोरी Ryzen 5 से बेटर है। अगर हम बात करें मेमोरी सपोर्ट की, तो इंटेल कोर i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर अप टू 16 GB, जो कि DDR4 के 3200 MHz वाले रैम सपोर्ट करता है और Ryzen 5 3500U अप टू 32 GB DDR4 के 2400 MHz वाले रैम सपोर्ट करता है। तो अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि इंटेल कोर i3 प्रोसेसर वाकई में Ryzen 5 से हर मामले में बेटर है। तो इसी चीज़ को साबित करने के लिए अभी हम यूज़ करने वाले हैं कुछ बेंचमार्क स्कोर, तो इसके मदद से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर कौन से सिनेरियो में बेस्ट परफॉर्म करके देगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पास मार्क के सिंगल कोर CPU टेस्ट की। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इंटेल कोर i3 प्रोसेसर अपने सिंगल कोर टेस्ट में Ryzen 5 3500U इस प्रोसेसर से 38% फास्टर है। और वहीं पर अगर आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस को स्टडी करें तो आपको यहाँ पर यह पता चलेगा कि Ryzen 5 3500U ये मल्टी कोर परफॉर्मेंस में इंटेल कोर i3 से 12% बेटर परफॉर्म करता है। दोस्तों, ऑब्वियसली इंटेल कोर i3 की बेस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो सिंगल कोर में इंटेल हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन इंटेल कोर i3 एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है और इसी वजह से वो एक क्वाड कोर प्रोसेसर के पीछे ही रहेगा, भले उसके सिंगल कोर परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि आप अपने वीडियो में Cinebench R20 के स्कोर को भी ऐड किया कीजिए, तो आपके लिए मैं Cinebench R20 स्कोर को भी अभी ऐड करके आपको बताऊंगा। तो Cinebench R20 के सिंगल कोर टेस्ट में इंटेल कोर i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर Ryzen 5 3500U इस प्रोसेसर से 78% बेटर परफॉर्म करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और वहीं पर अगर हम बात करें Cinebench R20 के मल्टी कोर CPU टेस्ट की, तो मल्टी कोर CPU टेस्ट में Ryzen 5 डेफिनेटली आगे निकल के जाता है और आपको 14% बेटर परफॉर्म करके देता है। ये एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर होने की वजह से ये एक क्वाड कोर प्रोसेसर से हार जाता है एट द एंड ऑफ द डे।
दोस्तों आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रही है तो चिंता मत करना, फाइनल वर्डिक वाले सेक्शन में मैंने बिना कोई टेक्निकल टर्म यूज़ किए इसी सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों CPUs के IGPU के बारे में। तो 11th जन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर में GPU यूज़ होता है इंटेल का UHD ग्राफिक्स। इसमें आपको आयरिस एक्सी ग्राफिक्स नहीं मिलता, वो सिर्फ आपको i5 और i7 वाले प्रोसेसर में मिलता है। और Ryzen 5 3500U के IGPU में यूज़ होता है AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स। दोनों CPU के IGPU की अगर हम मैक्स फ्रिक्वेंसी देखें तो इंटेल की मैक्स फ्रिक्वेंसी निकल कर आती है 1.25 GHz की, और Ryzen 5 3500U इसके IGPU की मैक्स फ्रिक्वेंसी निकल कर आती है 1.2 GHz की। बेंचमार्क स्कोर से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों IGPU की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए बहुत कम बेंचमार्क स्कोर अवेलेबल है, उनमें से ही एक है FP32 बेंचमार्क स्कोर। इसमें अगर हम देखेंगे तो Ryzen 5 3500U का IGPU Intel के IGPU से 22% फास्टर है। दोस्तों 22% इज़ अ ह्यूज नंबर, सो डेफिनेटली AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स Intel के UHD ग्राफिक्स से डेफिनेटली बेटर है। बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि है पावर कंजम्पशन। तो i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर बना है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, और Ryzen 5 3500U ये प्रोसेसर बना है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर। तो जितनी छोटी CPU टेक्नोलॉजी होती है उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर पावर एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर इंटेल कोर i3 को एक अपर एज मिलता है क्योंकि इसका CPU कंपैरेटिवली स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू Ryzen 5 3500U इस प्रोसेसर से। बात करें अगर हम TDP की तो i3 11th जनरेशन का TDP वेरिएबल है, ये वैरी करते रहता है 12 वॉट्स टू 28 वॉट्स, और वहीं पर Ryzen 5 के TDP को काउंट करें तो वो आती है 15 वॉट की। मैक्स टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इंटेल कोर i3 का 11th जनरेशन जा सकता है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक, और Ryzen 5 जा सकता है अप टू 105 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस चार्ट को देखने से हमें यह पता चलता है कि 11th जनरेशन का इंटेल कोर i3 Ryzen 5 3500U से एक बेटर पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसके पीछे बहुत रीज़न भी है। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है एंड Ryzen 5 दो साल पुराना प्रोसेसर है। सेकेंड, ये 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है और Ryzen 5 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, और इसकी TDP भी वेरिएबल है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डेफिनेटली आपको इंटेल में बेटर पावर एफिशिएंसी मिलेगी, और इसी की वजह से आपको i3 11th जनरेशन के CPU में थोड़ी सी बेटर बैटरी बैकअप मिल सकती है। दोस्तों टेक्निकल नॉलेज तो बहुत हो गई, लेकिन अभी आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि इन दोनों CPU में से कौन सा CPU किस काम के लिए बेस्ट है। दोस्तों नॉर्मल यूसेज में जैसे कि वेब ब्राउजिंग, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग म्यूजिक, डेटा ट्रांसफ़र, ऑफिस यूज़ या फिर कॉलेज पर्पज़ के लिए आपको दोनों ही CPUs में कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके यूसेज ऐसे है तो आपको लेना चाहिए इंटेल कोर i3 का 11th जनरेशन वाला CPU, क्योंकि इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये सारे लाइटवेट एप्लीकेशंस में सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वहीं पर अगर आप एक दो हेवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करने की ख्वाहिश रखते हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, गेमिंग हो गई, तो ऐसे सिनारियो में मल्टीकोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस सिनारियो में आपको Ryzen 5 3500U ये प्रोसेसर को लेना चाहिए, बिकॉज इसमें 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स आते हैं जो कि हेवी सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए एक एफिशिएंट CPU माने जाते हैं। आई होप कि मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्लियर किया हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों CPU के साथ आने वाले 3 बेस्ट लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिए जिसकी मदद से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस चैनल में ग्रो करने के लिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल और यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आता हूँ जिसकी मदद से आपको लैपटॉप चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।